Don't you want to make your home look luxurious? We all want. Hi, my name is Shashank Jain and welcome back to my channel Woodofa. हम सब चाहते हैं हमारा घर सुंदर और सुपर लग्जूरियस लगे, पर हमें सिर्फ एक ही तरीका आता है जनरली उसको लग्जरी में क्रिएट करने का, और हम सोचते हैं कि सिर्फ फर्नीचर को अगर अच्छा डाल दें, सोफा, डाइनिंग या कुछ बेडरूम्स में कुछ फर्नीचर अच्छा डाल दें तो लग्जूरियस लगने लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ माइन्यूट डिटेल्स यू नीड टू फॉलो टू मेक योर होम लुक लग्जूरियस इंस्टेंटली। सो आज का टॉपिक यही है, मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने घर को सुपर लग्जरी इंस्टेंटली कैसे बना सकते हैं। जस्ट फॉलो दीज स्टेप्स एंड मेक श्योर दैट यू इंप्लीमेंट ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स इन योर होम और सुपर लग्जरी बन जाएगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज एड अ लिटिल हिंट ऑफ लग्जरी इन योर मटीरियल्स। सो मे बी यूज अ लेदर राइट और मे बी अ क्लॉथ और मे बी अ मेटल एलिमेंट और मे बी अ गुड लाइट। सो अगर छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर आपने लग्जरी डालनी शुरू कर दी तो आपके घर की लग्जरी ऐड हो जाएगी और वो और अच्छा लगने लगेगा। सो मैं अक्सर बोलता हूँ अगर अलमीरा के फ्रंट डोर्स पे आप लेदराइट लगाना चाहें लगा सकते हैं, वेलवेट लगाना चाहें लगा सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे और एलिमेंट्स को यूज़ किया जा सकता है फॉर इनहेंसिंग द लग्जरी। यू कैन ऑल्सो यूज़ मेटल प्रोफाइल्स एज पार्ट ऑफ द मेटल एलिमेंट्स इन योर होम, उससे भी लग्जरी ऐड हो जाएगी। माय सेकंड टिप इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू डू, लॉट ऑफ लाइटिंग। सो अगर आप डबल लेयर या ट्रिपल लेयर लाइटिंग यूज़ कर लो घर में तो आपका घर का फील ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सो यू कैन यूज़ अ कोव लाइट और अ मूड लाइट और अ प्रोफाइल लाइट। ऑलरेडी मैंने एक लाइटिंग पे एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे लाइट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो सिमिलरली आप उन लाइट्स को यूज़ कर सकते हो इन योर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द हाउस, वेदर इज अ क्रॉकरी यूनिट और अ किचन काउंटर और अ अलमीरा और अ फॉल सीलिंग। तो आप कहीं पर भी इन लाइटों को यूज़ कर सकते हो और उसकी फील इन्हांस कर सकते हो। बोरिंग ट्यूबलाइट मत यूज़ करना, यूज़ अ कंसील लाइट और अ प्रोफाइल लाइट टू एड दैट हिंट ऑफ लग्जरी, बहुत अच्छा लगेगा। तो माय थर्ड टिप फॉर टुडे इज लार्ज फोटोज़, वॉल गैलरीज या मैट अप योर फोटोज़। आप अपनी फ़ोटोज़ जो आपके घर में आपकी अपनी फ़ोटोज़ हों या उनको यूज़ कर सकते हो एज अ वॉल गैलरी, या एक मैट तरीके से उसको करके आप दीवार पे लगा सकते हो, या फिर आप एक सिग्नेचर पीस ऑफ आर्ट भी लगा सकते हो, एक लंबी पेंटिंग, एक बड़ी पेंटिंग को भी आप लगा सकते हो। कोशिश करना अगर ये मैट में हो, मैट फिनिश थोड़ी लग्जरी ज़्यादा क्रिएट करता है। शादी वाली फ़ोटो भी होगी आपके पास, उसको भी आप दीवार पे लगा सकते हो, बट मे बी अकेले वो मत लगाना, उसके साथ कुछ और पिक्चर्स भी लगा दोगे तो और अच्छा लगेगा। इट लुक्स वेरी बोरिंग अदरवाइज, और अगर 5-6 पिक्चर्स उसके साथ लगी होंगी इट विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स टू एनहांस योर लग्जरी ऑफ अ वॉल और अ बेडरूम और अ लिविंग पैसेज। माई फोर्थ टिप इज एड मेटालिक्स। आज 2021 में इट्स वेरी ट्रेंडी, तो मेटल के एलिमेंट्स या मेटालिक एलिमेंट्स आर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं इस वक्त। तो आप उसको प्रोफाइल्स की फॉर्मेट में लगा सकते हो, आप हैंडल्स, नॉब्स, कैप्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फर्नीचर में या किसी भी एलिमेंट पे डाले जा सकते हैं। मे बी वो वार्डरोब का हैंडल हो या वो हैंडल की जगह पूरी प्रोफाइल हो, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स आप डाल सकते हो आप अपने वेरियस फर्नीचर में टू मेक इट लुक मोर लग्जूरियस। ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होंगे, जितना आप हैंडल में खर्च करते उससे थोड़ा और ज़्यादा आप प्रोफाइल में खर्च कर रहे हो, पर इन्हांसमेंट ऑफ लग्जरी विल बी टू मच, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। पाँचवें टिप ऑफ द डे इज इन्वेस्ट इन टेक्सटाइल्स। आई मीन टू से बहुत सारे लोग रग्स में या लाइनर्स में या जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं उसमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते हैं और फर्नीचर में ही सारा पैसा खर्च कर लेते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर लाइनर्स, सॉफ्ट फर्निशिंग्स या जो छोटे छोटे टेक्सटाइल के एलिमेंट्स हैं अगर आप उन्हें अच्छे से यूज़ करो और उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपने घर में, चाहे वो लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है या कहीं और स्पेसेस हैं, उसके अंदर यूज़ करो, एक तो कलर्स ऐड हो जाएंगे और ओवरऑल लग्जरी भी एनहांस हो जाएगी। और ये बहुत महंगे नहीं आते, किसी ने नहीं कहा आपको एक बहुत बड़े महंगे स्टोर पे जाओ और बहुत सारा पैसा खर्च करो। आप छोटे छोटे स्टोर से वेरियस एलिमेंट्स पिक कर सकते हो, इवन छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं हर एक एरियाज में, मे बी गुड़गांव में बंजारा मार्केट है या गफार मार्केट है, ऐसे सो मेनी मार्केट्स आर देयर इन दिल्ली NCR, आई एम श्योर पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर में भी होंगी, वहाँ जाके भी आप छोटे छोटे एलिमेंट्स पिक एंड चूज कर सकते हो। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी पर अच्छे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़
कर्टेंस, तो मैंने अक्सर देखा है लोग रॉड्स या चैनल्स यूज़ कर लेते हैं, मे बी बड़ा लो हाइट, मे बी 7 feet और 8 feet, वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा और पैसा खर्च करके उसको लॉन्ग फॉर्मेट में यूज़ कर लो, फ्रॉम सीलिंग टू द फ्लोर, मतलब छत से लेके और अगर सीलिंग तक अगर आपका वो कर्टेन फॉल कर रहा हो और हिट कर रहा हो तो बहुत सुंदर लगेगा। आप मेरे एक्सपीरियंस सेंटर में आओ, मैंने भी ऐसे ही किया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे लॉन्ग फॉर्मेट कर्टेन्स अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च होता है पर ओवरऑल लग्जरी में 10 गुना एनहांसमेंट वो क्रिएट करता है। 7th टिप इज यूज़ अ लार्ज रग। तो कई बार हमें लिविंग रूम में कुछ समझ नहीं आता है, हमें लगता है लिविंग रूम बहुत बोरिंग लग रहा है, हमारा ड्राइंग रूम बहुत बोरिंग लग रहा है, कुछ समझ नहीं आए तो समझ लेना एक रग डाल दो, एक बड़ा सा रग, मे बी 6x4, मे बी 5x7, बहुत बड़े बड़े रग्स आते हैं, पूरा सोफ़ा, पूरे डाइनिंग एरिया, पूरे लिविंग एरिया को कवर करने के लिए आप वो रग्स यूज़ कर सकते हो। इट विल इन्हांस दैट मोमेंट, तुरंत डालते ही वो इन्हांस कर देगा आपके लुक एंड फील को। माई 8th टिप इज़ अबाउट मोल्डिंग्स। तो मोल्डिंग्स एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है आजकल हम यूज़ करते हैं। मोल्डिंग्स से दो फायदे हैं, एक तो प्लेन वॉल्स नहीं दिखती और आपको एक एडिड इनहांसमेंट और लग्जरी लग जाता है। तो वो छोटी मोल्डिंग्स हो, बड़ी मोल्डिंग्स हो, ड्राइवे में यूज़ कर रहे हो, स्टेयरकेस पे यूज़ कर रहे हो, लिविंग रूम की वॉल पे यूज़ कर रहे हो या डाइनिंग एरिया में यूज़ कर रहे हो, इवन बेडरूम्स में भी यूज़ की जा सकती हैं। देयर इज वेरियस डिज़ाइंस विच वी कैन यूज़ फॉर द मोल्डिंग्स। और सबसे अच्छी बात है ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। एक वॉल पैनलिंग कराओगे तो मे बी 1-2 lakh, 3 lakh रुपये खर्च हो जाएंगे, पर मोल्डिंग्स में मे बी 20-30-40,000 रुपीज़ में यू विल बी एबल टू एड दैट लग्जरी इन टू योर एरिया। उसके ऊपर कलर्स किए जा सकते हैं। POP मोल्डिंग्स मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज से यूज़ अ वुडन मोल्डिंग, उसकी थोड़ी फिनिश अच्छी आती है, कलर उस पर भी हो सकता है, कोई भी कलर आप डाल सकते हो एज पर योर लग्जरी एंड योर टेस्ट। वन ऑफ माई फेवरेट, वाइट फर्नीचर। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है और मुझे लगता है ये पूरी फील खराब हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो आई ऑलवेज ऐड वाइट फर्नीचर। सिमिलरली यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो आप चाहे वो बेडरूम्स हों या लिविंग एरियाज हों या डाइनिंग एरियाज हों या मे बी कोई और स्पेसेस हों घर की, उसके अंदर वाइट फर्नीचर डाल सकते हो। सबसे अच्छी बात वाइट के साथ क्या होती है, इट्स अ न्यूट्रल कलर, तो ये किसी भी कलर के साथ चला जाएगा, चाहे आप बोल्ड रेड यूज़ कर रहे हो या ग्रीन यूज़ कर रहे हो या ऑरेंज यूज़ कर रहे हो या कुछ भी कलर है, उसके साथ वाइट ज़रूर जाएगा। सो अगर आपको लगता है कि मेरे को और थोड़ा इन्हांस करना है लग्जरी को, सो यू कैन यूज़ वाइट फर्नीचर। बहुत सारी फील्स, बहुत सारी थीम्स होती हैं जिसके अंदर वी सजेस्ट टू यूज़ ओनली वाइट्स। फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेवियन अगर आपने फील चूज़ की है तो मैं उसमें मोनोटोन्स ही सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो ग्रेज यूज़ करो, वाइट यूज़ करो, सब अच्छा लगता है। सो एड एडेड लग्जरी, पुराना फर्नीचर है उसको भी वाइट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मे बी डार्क वुड से गंदा सा कलर है, बहुत गंदा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो वाइट डिको कर दो, वाइट कलर डाल दो, उसमें भी वो इन्हांस कर देगा लग्जरी को। माई लास्ट एंड द फाइनल टिप फॉर टुडे इज स्ट्राइकिंग आर्ट पीसेस। अगर आप आर्ट के शौकीन हो या नहीं भी हो, पर एक आधी आर्ट पेंटिंग और अ म्यूरल और एक कुछ भी आर्ट पीस यूज़ कर सकते हो अपने घर में, लिविंग रूम में कर सकते हो, फॉयर पे कर सकते हो, डाइनिंग एरिया वाली वॉल पे कर सकते हो या फिर बेडरूम की मास्टर बैक वॉल पे भी कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स ये कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। एक आर्ट पीस से फ़ायदा क्या होता है कि पूरी वॉल प्लेन है और एक बड़ी सी पेंटिंग है, मे बी 3 feet by 7 feet, मे बी 2 feet by 6 feet और वट एवर, उस तरीके से उसकी फील इन्हांस हो जाती है। उस पेंटिंग के साथ कुछ और नहीं डालना है। जनरली वी ट्राई टू यूज़ अ सटल वॉलपेपर बिहाइंड इट और मे बी अ प्लेन वाइट कलर पेंट एंड उसके ऊपर एक अच्छी सी आर्ट पीस या एक पेंटिंग ऐड कर दी गई है। तो आपने देखा कि कुछ टिप्स हैं ये जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने घर में अपनी फील को लग्जरी बनाने के लिए, और ये सब इंस्टेंटली पॉसिबल है, इसके लिए पूरा घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें कुछ कुछ एलिमेंट्स में ऐड करते जाओ और अपने घर की लग्जरी को इन्हांस करते जाओ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है, डू लाइक अस, शेयर एंड कमेंट। जितने ज़्यादा लोगों तक अभी वीडियो पहुँचाओगे उतना ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड।